अस्सलाम वालेकुम। आज का लतीफ़ा। चाचा गुल्लू बीमार और अस्पताल में दाखिल था। मोहल्ले के चंद लोगों ने मशवरा किया कि वेगन वाले से अस्पताल आने जाने का किराया तय करते हैं और सारे जाकर चाचा की खैर खैरियत पूछ आते हैं। 100 रुपये फी बंदा तय हुआ और कुल मिलकर 13 बंदे तैयार हुए। वेगन वाले ने बड़ा जोर लगाया, 14 सीटें हैं, एक और बंदा साथ मिला लो ताकि मेरा एक सीट खाली ना जाए, मगर बंदोबस्त ना हो सका। 13 बंदों को बिठा कर वेगन चलनी ही लगी थी कि गली के आखिर नुकर वाला रांझा मूछी भागता और आवाज़ें देता हुआ आता दिखाई दिया। वेगन के 13 अफराद कहने लगे, वेगन भगाओ, इस मनहूस को साथ ना लो, ये मनहूस तुम्हारा भी कोई नुकसान करवाएगा। मगर कंडक्टर ने जवाब दिया कि मनहूस होगा तो तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो 100 रुपए की सवारी है, मैं तो इसे हर हाल में उठाऊंगा। दीगर सवारियों के पास अब और कोई चारा नहीं था। हामते कामते रांझे के पहुंचने पर कंडक्टर ने इसे बैठने के लिए दरवाज़ा खोला, मगर रांझे ने बाहर कड़े कड़े ही टूटी सांसों में दीगर 13 लोगों से कहा कि चाचा गुल्लू तो रात को ही अस्पताल से वापस घर आ गया है। उतरो सारे नीचे, ख्वामखा अस्पताल ना जाओ। मज़ीद इस तरह फनी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।